हाँ भाई, चलो कैसे हो? आज मैं बता रही हूँ जैसे मुल्तानी मिट्टी के फायदे, मुल्तानी मिट्टी से किस तरह फायदा मिले हमें, ये मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे इसे, ये है मेरे मुल्तानी मिट्टी, देखिए इस तरह से मार्केट में रॉ मिलते हैं, इसके पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। किस तरह से यूज करें, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी परदादी इसे यूज करती थी, उस समय पानी भी अच्छा होता था और इससे बाल भी धोती थी, पूरे बदन में साबुन की तरह यूज करती थी। इसे मैं पाउडर बनाऊंगी। इसे मिक्सी में रौ लाएं, पीस ले, नहीं तो मार्केट में इसके पाउडर भी मिलते हैं। ये देखिए, मैंने मुल्तानी मिट्टी को जो रौ लाया था उसे पाउडर बना लिया है कूट करके मिक्सी में। ये है 4 चम्मच मुल्तानी पाउडर और ये है ग्लिसरीन जो बाजार में मिलते हैं, ग्लिसरीन, और ये एक विटामिन ई की कैप्सूल, और ये है चंदन पाउडर। ये देखिए, ये चंदन पाउडर है और ये है रोज पाउडर, एक पिंच हल्दी। हल्दी आपके ऊपर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर विटामिन ई नहीं डालना है तो आलमंड का जो तेल होता है वो आधा चम्मच डालें। इसे मैं बनाऊंगी कैसे, देखिए इस तरह से। ये मैंने 4 चम्मच इससे मुल्तानी पाउडर लिया था, मुल्तानी मिट्टी जो होते हैं वो मैंने लिए हैं। इस तरह से डाल दूंगी और 1 चम्मच, करीब 1 चम्मच ये चंदन के पाउडर इसमें डालूंगी, और ये ग्लिसरीन करीब 2 चम्मच के लगभग ग्लिसरीन डालूंगी इस तरह से। और ये हल्दी है, इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर 2-4 बूंद इसमें नींबू डालना चाहे तो 2-4 बूंद नींबू भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर अकॉर्डिंग है। और इसमें ये विटामिन ई वाले कैप्सूल, इतना में 1 कैप्सूल बहुत है इसके लिए। ये विटामिन ई कैप्सूल में इस तरह से, किस तरह से काट करके इसमें डाल दें। अब इसको सबको मिक्स करें अच्छी तरह से, थोड़े से रोज वाटर डालूंगी करीब 1 चम्मच के लगभग। इसे अब अच्छी तरह से डो बनाएं, इस तरह से डो बना दें, सब मिक्स करके। इसमें इतने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं इसमें। थोड़ा सा मैं और डालूंगी रोज वाटर, इस तरह से, और ये जो डब्बे हैं इसमें साबुन का शेप मैं बना दूंगी इस तरह से। इस तरह से ले, इस तरह से ले, और इसमें कुछ हल्का सा तेल लगा दें इस डब्बे में, और इसको
इस तरह से बैठाएं, इस तरह से चाप चाप करके बैठाएं। साबुन का सेप देना है इसको। देखिए इस तरह से मैंने साबुन का सेप दे दिया, किसी भी डब्बे में, किसी भी जो चाय पीते हैं फेंकने वाले कप में, उसमें भी बना सकते हैं। इस तरह से किसी भी कटोरी, डब्बे, किसी में भी बनाएं, हल्का सा तेल लगा दें और इस तरह से बैठा दें। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। ये देखिए मेरे सूप तैयार हो गए हैं इस तरह से। इसको अगर और मोटा करना है तो इस तरह से ठोक पीट करके और मोटा कर सकते हैं, क्योंकि लगाने में, ताकि लगाने में कंफर्टेबल हो इस तरह से। और इसे जब भी नहाएं, इससे नहाएं, रगड़ रगड़ के पूरे बदन पे नहाएं, भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी इससे। और जब फेस पे लगाएं तो कम से कम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फेस पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा बच्चों। देखिए इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से पानी लें और इस पे एकदम क्रीमी मक्खन चिकना की तरह हो जाएगी। इस तरह से जैसे लगता है कोई फेशियल किया हुआ है। इस तरह से देखिए, इस तरह से एकदम क्रीमी होंगे, चिकना। साबुन में तो, साबुन लगाने से तो उसमें प्रिजर्वेटिव चीज रहता है, इसमें मैंने कुछ भी प्रिजर्वेटिव चीज नहीं डाला है। जब भी लगाएं यूज करें और इसके बाद इसको फ्रिज में रख दें तो खराब होने के तो चांस रहेंगे, क्योंकि मैंने इसमें प्रिजर्वेटिव चीज कुछ डाला नहीं है। तो इसलिए इसको यूज करें और फ्रिज में फिर से रख दें, जब यूज करें जब फ्रिज में रख दें। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए एकदम क्रीमी मक्खन की तरह चिकना, जैसे फेशियल करते हो ना वैसे। इस तरह से देखिए अमेजिंग रिजल्ट इसका आएगा, लगा के देखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।